नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है डोनट। ये डोनट हम बिना यीस्ट के बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी। इसको बनाने के लिए हमको बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो घर में चीज़ें हों उसी से ये बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट होता है। चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा छना हुआ। बाउल में हम डाल देंगे, पहले से ही मैंने छान लिया है मैदे को। 1/2 कप हम चीनी लेंगे, ये घर की ही पिसी हुई चीनी है, नॉर्मल चीनी। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच लेंगे हम बेकिंग पाउडर। 1/2 चम्मच लेंगे हम बेकिंग सोडा। आप इसके जगह पर इनो का यूज कर सकते हैं। ये हम दही लेंगे 1/2 कप। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे, क्योंकि हमको डो लगाना है। तो डो को हम पानी से नहीं लगा रहे हैं, दही से ही लगाएंगे, तो बहुत ही अच्छे डोनट हमारे बनेंगे। 1 चम्मच इसमें हम देसी घी डाल देंगे। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, कोई भी घी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। दही से ही हम डो को तैयार कर लेंगे। पहले से मैंने पूरा दही नहीं डाला है कि गीला ना हो जाए। अब हम सारा दही डाल देंगे। आप पानी भी डाल सकते हैं, मैं दही से ही सान रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। सारा दही हमने डाल दिया है। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया हमारा डो बनेगा। हल्के हाथों से इसको मसलना है। आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ये अच्छा बना है, परफेक्ट। अब इसको हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए ढककर। 1 घंटे के बाद हम आटे को देखेंगे तो ये अच्छे से फूल चुका होगा। 1 घंटा हो चुका है, हम आटे को खोलते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फूल चुका है आटा, बहुत ही बढ़िया जाली बनी है। इसके डोनट जो हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। अब इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं, उसके बाद इसके हम डोनट बनाते हैं। हल्के हाथों से हम आटे को मसल लेंगे। इसको हम सॉफ्ट कर रहे हैं। अब इसकी हम 3 लोई बना लेंगे। 1 साइज की हमने लोई बना ली है। अब हम एक चकला लेंगे। अब इसमें हम लोई को गोल कर लिए हैं। इसको मैं हाथों से ही फैलाकर, जैसे कि डोनट बनते हैं वैसे ही बना रही हूँ। आप इसको बेलन से बेल भी सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा लगा लिया है चॉपिंग बोर्ड पे। हाथों से इसको मैं फैलाऊंगी। ट्रेडिशनल जो डोनट बनता है तो ऐसे हाथों से ही फैलाकर बनाया जाता है। आप इसको बेल भी सकते हैं बेलन से। आप देख सकते हैं इसका कितना मोटा मैंने किया है। बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ना ज़्यादा पतला करना है। अब हम एक छोटी सी ग्लास लेंगे, इसी से मैं काट रही हूँ। आपके पास कुकी कटर हो तो उसमें से भी काट सकते हैं, कटोरी हो तो उसमें से भी काट सकते हैं। अब हम ऐसे ही डोनट को काट लेंगे। ये हम नोजल लेंगे, आप कोई भी दवा का ढक्कन ले सकते हैं, उससे हम बीज का भी निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे डोनट बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सरल है डोनट बनाना, तो इसको आप ज़रूर बनाकर रख लें। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। अब हम सारे डोनट ऐसे ही बनाएंगे। अब मैं बेलन से बेलकर दिखा रही हूँ आपको। ज़्यादा इसको पतला ना करें, थोड़ा मोटा ही रहने दें, वरना ये फूलेंगे नहीं। अब हम ग्लास से काट लेते हैं।
ऐसे ही बनाकर हम सारे डोनट तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, तो इसको आप ज़रूर बनाएं। वीडियो को मेरे पूरा देखा करें दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है, आप लोग देखते नहीं हैं, व्यू हमारे नहीं आते हैं। सारे हमारे डोनट बनकर तैयार हो चुके हैं। जो बाकी का आटा बचा था तो मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं, तो आप कोई भी आटा बर्बाद ना करें, ऐसे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं गैस पर, अब हम तेल डालेंगे। तेल या घी ले सकते हैं। छोटा डोनट जो हमने बनाया था उसको मैं डालकर तेल को चेक कर ली हूँ। तेल को हमको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकाना है, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। अब इनको टच नहीं करना है, हल्का हल्का तेल इसमें डालना है, ये अपने आप कढ़ाई छोड़ देंगे, उसके बाद ही इनको पलटें। बहुत ही बढ़िया हमारे डोनट फूले हैं, आप देख सकते हैं। गैस को हमने बिल्कुल धीमा रखा है, ज़्यादा तेज कर देंगे तो ये अच्छे से पक नहीं पाएंगे। गोल्डन होने तक हम डोनट को पकाएंगे। पलट पलट कर हम इसको पका लेंगे दोनों तरफ से। ये अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया हमारे क्रिस्पी बने हैं डोनट। अब हम डोनट को निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, बहुत ही बढ़िया हमारे डोनट बने हैं, बहुत ही बढ़िया फूले हैं, बहुत ही परफेक्ट हमारे डोनट बने हैं। गैस को हमने धीमा बिल्कुल रखा है, ऐसे ही हम सारे डोनट को तल लेते हैं। अगर ज़्यादा तेल गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर दें, उसके बाद डोनट डाल दें और फिर गैस को धीमा करके जला दें। ऐसे ही हम सारे डोनट को देखिए पका लिए हैं, ये बहुत ही बढ़िया निकले हैं लग रहा है। ये हमने ईस्ट से बनाया है, मगर ये घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। सारे डोनट हमारे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट हैं, अंदर से ऊपर से क्रंची हैं। इनको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट से या जैम से। अब हम डोनट को डेकोरेट कर लेते हैं। डोनट को हमने रख दिया है, अब इसको हम शुगर से डेकोरेट करेंगे। ये मैंने एक चम्मच शुगर लिया है पिसी हुई, ये नॉर्मल शुगर है। हम थोड़े से डोनट चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे, ऐसे डिप करेंगे। चॉकलेट कंपाउंड को मैंने पिघला लिया है, उसी से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। आप व्हाइट चॉकलेट से भी सजा सकते हैं। चॉकलेट से कोट होने के बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे डोनट लग रहे हैं। ये हम कलरफुल स्प्रिंकल्स ले लेंगे, ये शुगर वाले हैं, इससे हम डेकोरेट कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थोड़े से हम पिंक शुगर बॉल्स डाल देंगे, थोड़े से हम गोल्डन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बेटी भी सजा रही है। हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं बनकर, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।